हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग ये 250 वाट का इन्वर्टर पीसीबी है, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। जैसे कि कई लोगों को एक कंप्लेन आता था कि उनका जो बैटरी है वो ओवर डिस्चार्ज हो जाता है और ओवर चार्ज होता है, जिसके वजह से वो बैटरी डैमेज हो जाता था। तो इसमें ये दोनों ही प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और इसका सॉल्यूशन काफ़ी इजी है। मतलब यहाँ पे आपको एक रेसिस्टर ही चेंज करना है और वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अभी देखिए, यहाँ पे बैटरी वोल्टेज जो है वो 11.5 वोल्ट दिख रहा है और यहाँ पे जो हमारा स्टेटस एलईडी है वो भी रेड आ रहा है और यहाँ पे आउटपुट जो है वो आप देख सकते हो कि 200 समथिंग वोल्ट जनरेट हो रहा है। तो चलिए इसके वोल्टेज को पहले कम करते हैं और देखते हैं कि कितने वोल्ट पे मैंने इसको सेट किया है। तो देखिए, यहाँ पे 9.75 वोल्ट आया है और ये ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया है। पहले 9 वोल्ट के बिलो ब्लिंकिंग स्टार्ट होता था और इस देखते हैं कि कहाँ पे हमारा आउटपुट कट हो जाता है। तो ये देखिए, जैसे ही यहाँ पे 9.6 वोल्ट आया, यहाँ पे देखिए स्टेटस जो है वो ऑफ हो गया है और आउटपुट भी ऑफ हो गया है। इसको मॉडिफाई करने के लिए आपको करना ये होगा, यहाँ पे देखिए एक रेसिस्टर है जो कि आप देख सकते हो कुछ यहाँ पे है, जिसका R25 इसका मार्किंग किया हुआ है। ये जो रेसिस्टर है उसके साथ में आपको एक पोटेंशियोमीटर ऐड करना होगा, जिसका वैल्यू होना चाहिए आप देख सकते हो 250 के, और फिर आपको एडजस्ट करना होगा कि किस वोल्टेज पे आप चाहते हो कि आपका जो इन्वर्टर है वो शटडाउन मोड में चला जाए। तो यहाँ पे वो जैसे ही उस वैल्यू पे आपका शटडाउन हो जाता है तो ये पोटेंशियोमीटर या तो रहने दीजिए, या यहाँ पे आप प्रीसेट भी लगा सकते हैं, या फिर इसको निकाल के अभी इसके दोनों पिन पे आप रीडिंग ले लीजिए और सेम वैल्यू का रेसिस्टर इसके साथ में आप पैरेलल में लगा दीजिए, तो आपका ओवर डिस्चार्ज का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब ओवर चार्ज से रिलेटेड जो इशू है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक रेसिस्टर है, ये देख सकते हो आप 10K का है, इसके साथ में आपको 200K का एक रेसिस्टर ऐड करना होगा पैरेलल में और उसको एडजस्ट करना होगा कि आप ओवर चार्ज सिचुएशन जो है वो 14 वोल्ट पे आना चाहते हैं या फिर 5 वोल्ट पे उसको लाना चाहते हैं, तो उस बेसिस पे आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ऑनबोर्ड मॉडिफिकेशन के बाद अब IC डिटेल्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से पिन का वर्क क्या है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट और 14 जो है वो ग्राउंड और 5 वोल्ट से कनेक्ट है। बैटरी लो इंडिकेशन सेकेंड वाले से आता है, मेन्स LED इंडिकेशन थर्ड से आता है, ऑन ऑफ वाला जो स्विच है वो फोर्थ वाले पिन से कनेक्ट है जो कि एक्टिव लो है, PWM वाले जो पिन है वो 5 और 6 है जो कि MOSFET को जाता है, चार्जिंग LED इंडिकेशन 7 से आता है, 8th वाले से चार्जिंग रिले ट्रिगर आता है, मतलब चार्जिंग रिले कब ऑन होगा ऑफ होगा ये 8th वाले पिन से ही आता है, 9th वाला जो है वो है इन्वर्टर LED और रिले का, मतलब रिले कौन सा, सेकेंड वाला जो रिले है, जैसे आप देख सकते हो कि ये चार्जिंग वाला रिले है और ये वाला जो है इन्वर्टर और मेंस में सिलेक्शन के लिए रिले है। उसके बाद में देखिए, बैटरी मॉनिटरिंग 2 पिन से हो रहा है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि 2 पिन से भाई क्यों हो रहा है, तो ये जब भी आपका इन्वर्टर मोड में रहेगा तो ये बैटरी वोल्टेज को मॉनिटर करेगा, जब भी बैटरी लो हो जाएगा उस कंडीशन में ऑफ स्टेट में जाएगा। फिर उसके बाद में ये बैटरी मॉनिटरिंग कर रहा है चार्जिंग मोड में, मतलब बैटरी ओवरचार्ज हो रहा है उसके लिए। फिर ये जो 12th वाला पिन है वो इन्वर्टर, जब भी इन्वर्टर मोड में रहेगा उस टाइम में ये उसका वोल्टेज सेंस करता है, मतलब आउटपुट वोल्टेज को सेंस करता है। ये इसका 13th पिन है जो कि मेंस को सेंस करता है, जब भी आपका मेंस प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ पे 13th वाला जो पिन है यहाँ पे ये सेंस करता है। ये 14th वाला ग्राउंड ऑलरेडी डिस्कस हो गया। अब रिले के ऊपर देख लेते हैं, ये आपका इन्वर्टर मोड और मेंस मोड में सिलेक्शन का रिले है और यहाँ पे कॉमन जो है इसका आउटपुट है, NC जो है वो लाइन इनपुट है, NO जो है वो इन्वर्टर इनपुट है। ओके, अभी हम लोग चार्जिंग का देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये लाइन इनपुट जो है वो NC से कनेक्ट है और चार्जिंग का आउटपुट जो है वो कॉमन से कनेक्ट है। तो लगभग चीज़ें हमने इसके ऊपर क्लियर कर लिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है ये IC को हम लोग रिमूव करेंगे और इसके जगह पे Arduino Nano का यूज़ करेंगे और एक LCD डिस्प्ले का, जिसमें सभी पैरामीटर्स आपको दिख जाएंगे और इसमें कई सारे बग्स हैं वो भी हम लोग उसमें फिक्स कर देंगे।